दमोह और वनमंडल के सिंग्रामपुर वन परिक्षेत्र के देवतरा के जंगल में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व बताया गया। इस दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वन विभाग एवं इको पर्यटन विकास बोर्ड ने पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही प्रकृति की अनुभूति करने के लिए सभी छात्र छात्राओं को जंगल का भ्रमण कराया गया। कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी स्कूल माला बम्होरी के 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ अनुभूति कार्यक्रम के लिए आई हूँ। यहाँ में हमने बहुत से पेड़ पौधों के बारे में जाना है, बहुत से औषधि वाले पेड़ों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। हमें अपने आसपास बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और यहाँ के जानवर, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए मेरी सरकार से अपील है कि वन संरक्षण के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। प्रोग्राम इको डेवलपमेंट, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है जो वन विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को पर्यावरण के विषय में बताने के लिए, पर्यावरण के लाभ, पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें और क्या क्या प्रकृति में चीज़ें होती हैं उसको बताने के लिए हम लोग स्कूली बच्चों को जंगल का भ्रमण कराते हैं। सुबह से शाम तक ये प्रोग्राम चलता है जिसमें बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से पर्यावरण के विषय में बताया जाता है, बहुत ही रोचक चीज़ें बताई जाती हैं।